भी नहीं खुल रहा है। कंगुआ मतलब कंगी, मतलब कंगी कंगी, यस। लॉर्ड बॉबी के बर्थडे पे इनका पोस्टर रिलीज हुआ था एकदम डेंजर वाला, जो अब की बार जो सलमान सर का कमबैक होगा ना, ये पर्सनल होगा। खत्म, टाटा बाय बाय, सी यू, गया बॉक्स। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। कंगुआ का टीजर रिलीज हो गया है। सूर्या है और लॉर्ड बॉबी, बॉबी देओल दिख रहे एंटागोनिस्ट में, और प्रोटागोनिस्ट में है सूर्या, हमारे मुंबई के टू इडियट्स गोलू एंड समृद्ध, दोनों आ गए हैं। तीसरा कहाँ है, कंगुआ ढूंढने गया लग रहा है, तो उसकी कंगी घूम गई है। शुरुआत करूंगा हमारे गोलू के साथ में, कैसा लगा ये टीजर ऑफ कंगुआ? अब इनका अगर मेरा बाल सेट करके हो गया हो तो अच्छा लग रहा है, मेरा भाई ना। यस यस, अब पहन लूं टोपी। यस पहन लूं। सर जी, कंगुआ का हमने बहुत पहले से अनाउंसमेंट देखते हुए आ रहे हैं। सर जी बहुत हाइप में था साउथ साइड से, लेकिन सर इसमें हाइप कब बढ़ा? जब हमारा लॉर्ड बॉबी ने एंट्री मारा तब इसमें हाइप हुआ। लॉर्ड बॉबी के बर्थडे पे इनका पोस्टर रिलीज हुआ था एकदम डेंजर वाला, जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आया था मैंने सुना था, लेकिन इन पर्सन मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है। एकदम वायलेंस दिखने वाला इसमें, और मेरे को लग रहा है जो कंगुआ जो नाम है ये शायद सूर्या सर का कैरेक्टर का नाम हो सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी तो अभी वो पिक्चर देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि इन्होंने टाइटल ऐसा कंगुआ क्यों रखा, क्योंकि इनके हाथ से कंगी छूट नहीं रही है और वो राज भी नहीं खुल रहा है। कंगुआ मतलब कंगी, मतलब कंगी कंगी, यस। ये बहुत काम आता है सर कंगुआ से, हाँ, बाल बनाने के लिए, पीठ खुजाने के लिए बहुत काम आता है, और भी काम आता है, वो मैं नहीं बता सकता। अपील किया टीजर सर जी, बहुत इन लोग ने बहुत फिनिशिंग बहुत अच्छा रखा इन लोग ने, और बहुत प्रॉमिसिंग भी रखा, क्योंकि पब्लिक जाएगा देखने के लिए। सूर्या सर को लोग देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन इतना प्रॉमिसिंग नहीं लगते हमारे ऐसे इन बॉलीवुड में। इसमें भी आए थे पोनिन सेल्वन में, यस, इतना पहले भी कुछ आके गए, यस यस। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि इतना गर्मी है नहीं पब्लिक में, yes, सूर्या के नाम, yes, yes। सूर्या सर का जो पावर चलता है वो साउथ साइड में चलता है, और यहाँ पे लॉर्ड बॉबी मचाता है, तो फिर वो बोल नहीं सकते। अगर यहाँ पे टिकट सोल्ड होएगा तो लॉर्ड बॉबी की वजह से, लेकिन सर पिक्चर में तो मजा आने वाला है सर, हाई एक्शन पैकेज होने वाला है, और कुछ महाराज और ऐसा लाइक बाहुबली टाइप कुछ पिक्चर बनेगी। लेकिन टीजर तो सर इन लोग ने एकदम दमदार काटा है, मजा तो आ रहा है, अच्छा लगा हमारे, बहुत मस्त लगा। गोलू को आता हूं समूह के पास में, कैसा लगा समृद्ध ये टीजर? कंगुआ को ऊपर ही रखा। अच्छा सर, टीजर देखा मैंने यार कंगुआ का, क्योंकि इसका बहुत बहुत अच्छा अच्छा तरह से प्रमोशन कर रहे हैं सर। सो ये जब टीजर देखा मुझे यार थोड़ा हाउसफुल 4 आई थी, देखो सर, वो गामा मारेगा टाइप का, वो वैसे ही काइंड ऑफ मुझे लगा सर। अच्छा, मतलब लग तो रहा है यूनिक, लेकिन अपील नहीं कर पा रहा है मुझे सर। ओके। क्योंकि यार शिवा सॉरी सूर्या सर, सॉरी शिवा नहीं, सूर्या सर अपने हिंदी इंडस्ट्री में ना, मतलब हिंदी बेल्ट में थोड़ा ज्यादा कुछ क्रेज नहीं है, बढ़िया अपने बॉबी भाई के जलवे ही जलवे एनिमल में देख चुके। ज्योतिका का क्रेज बना शैतान में, उतना सूर्या का है नहीं यार, एग्जैक्टली। लेकिन बात करने के ना टीजर के, टीजर लग तो रहा है कि लग रहा है कुछ तक दमदार, लेकिन वो टीजर से मुझे उतना इम्पैक्ट नहीं दे पाया, क्योंकि यार वो वैसे ऐसे काइंड ऑफ फिल्म, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन का ऐसा, वो वैसा वाला थोड़ा थोड़ा वाइब आया मुझे। मतलब वो पूरा जंगल एरिया में ऐसे काइंड ऑफ लोग रहते हैं, और वो बॉबी देओल एकदम फुल ऐसा करके जो शॉट था वो एकदम दमदार था, लेकिन जब सूर्या सर ऐसा करके आते और जब दोनों में आकस में टक्कर की, बोलते ना एक दूसरे का टक्कर में आ गए मैं तो, और बॉबी देओल सूर्या सर का टक्कर में लग रहे सर। मतलब ये साउथ की पायरेट्स ऑफ कैरिबियन है, हमारे बॉलीवुड की भी यशराज ने बनाई थी, सुपर डिजास्टर हो गई थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ सर, ठग्स हो गई थी वो ठग्स हो गई थी। लेकिन यार ये कंगुआ मुझे तो ऐसा लगता है ना, कंगी घुमाएगा सिर पे ऐसा लगता है मुझे, एक अच्छा खासा लुक देगा पिक्चर को, और डायरेक्टर शायद से शिवा नाम के कोई जो डायरेक्टर है, शायद से उन्होंने अच्छे खासी फिल्म बनाई है, लग रही है मैग्नम ओपस, एक कलर ग्रिड हो, उसका सिनेमैटिक विजुअल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट उसके जो एक डेप्थ देखोगे ना, जो क्राउड वाला जो सीक्वेंस आप देखोगे ना, वो बेहतरीन लग रहा है। okay. yes, मुझे थोड़ा उसमें वो VFX आफ्टर इफेक्ट्स वो थोड़ा मुझे लगा कि कुछ तो रहेगा फिल्म में, अभी देखते हैं। अब रिलीज डेट तो शायद से किया नहीं है, हमारे गोलू को पसंद आई है, लेकिन एवरेज एवरेज समूह को एवरेज लगी, एवरेज लग रहा है, इतना अपील नहीं कर रहे यार। लॉर्ड बॉबी के लिए पब्लिक आ सकती है, यस 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 यस। बॉबी का नाम आया तो सल्लू भाई का भी बड़ा अपडेट आया जान जी,
यस, और डायरेक्टर की तरफ से बहुत लंबा इंटरव्यू आया पेपर में, हाँ जी, वो हम लोग ने पढ़ा। डायरेक्टर कह रहे कि इसमें सारे इमोशंस डालूंगा मैं, करेक्ट, जो कि सलमान के पिक्चर में होने चाहिए। करेक्ट करेक्ट सर। फाइनली कंफर्मेशन आ गई है ईद 2025 में, क्या बोलेंगे गुलू भाई? सर जी, ये इनकी सलमान सर की जो फिल्मोग्राफी हम देखते हुए आ रहे हैं, मतलब लाइक फ्रॉम तेरे नाम, मैंने प्यार किया, फिर वांटेड, ये वो, किसी का भाई किसी की जान, वो भी देख लिया हमने, फिर टाइगर थ्री भी आई, एक हाइप रखा हमने, थोड़ा फेल हो गया, इट्स ओके। लेकिन सर जी, ये जो पिक्चर बनेगी ना, इसमें जितने फैंस लोग से मेरा बातचीत हुआ है, दे आर सेइंग कि अब की बार जो सलमान सर का कमबैक होगा ना, ये पर्सनल होगा। Okay. और अब की बार जो पिक्चर बनेगी ना, सलमान सर विल बी ऑन अ नेक्स्ट लेवल। सर का जो ऑरा है, सर का जो एक होना चाहिए रुतबा, वो एकदम अलग ही दिख के आने वाला है। जैसे शाहरुख सर को सिद्धार्थ आनंद ने जो प्रेजेंट किया पठान में, 4 साल बाद ऐसा कमबैक दे दिया कि मतलब अभी मार्केट में सिर्फ वही चल रहे, उनके अलावा और कोई नहीं चल पा रहा है फॉर द टाइमिंग। तो मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों, लेकिन अंदर से फील होता है कि दिस टाइम दिस इज पर्सनली, ये कमबैक पर्सनली है सर के लिए, और ये एकदम मचाएंगे। और मैं बोल रहा हूँ सर, इसके पहले ना ऐसा कभी सलमान सर को देखा होगा किसी ने, ना कोई देखेगा, लेकिन अब की बार अगर सलमान सर आएंगे ना, हार देंगे। अलग तरह का प्रेजेंटेशन एआर मुर्गदॉग की तरफ से सलमान को मिलेगा। आप कल जाके सलीम साहब से भी मिल के आए? हाँ जी सर, हाँ जी सर, सलमान के डैडी। यस यस यस, क्या बोले उन्होंने? सलमान भाई करने वाले है ना? यस 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 यस। एक्चुअली मैं एक चीज बताऊं सर, मैं कल एक टीजर लॉन्च के लिए गया था, मैं सर एक मराठी फिल्म गया, तब सलीम साहब एज एन चीफ गेस्ट उनको बुलाए थे, तो उन्होंने एक जर्नलिस्ट ने सिर्फ पूछा कि अपने सलमान भाई क्या कर रहे, तो उन्होंने इतना अच्छे से जवाब दिया कि बोलते ऐसा बोले, सलमान बेटे हमारे सलमान बेटे फिल्म कर रहे हैं। तो यार मुझे तो अच्छा लगा ये सुन के, बट यस, सलमान खान एंड ए आर मुर्गदॉस इज इक्वल टू ब्लॉकबस्टर। Okay. क्योंकि यार एआर मुर्गदॉस की अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, उनके जो सक्सेस रेशियो है ना, ऑलमोस्ट सुपर हिट ब्लॉकबस्टर का ही रेट है। जैसे फॉर एग्जांपल गजनी हो, तो फर्स्ट इन मतलब फर्स्ट बॉलीवुड की फिल्म वो 100 करोड़ मारी थी, पहली फिल्म थी वो, मतलब बॉलीवुड की। तो ये तो खत्म, हाँ जी हाँ जी सर। तो यार मतलब 100 करोड़ का, 100 करोड़ वाला सीन। सो यार एआर मुर्गदॉस का मतलब बहुत सारे फिल्मोग्राफी लिखे, तो उसके तो हॉलीडे फिल्म हो, गजनी हो, वो सोनाक्षी सिन्हा के साथ वो आने आई थी, वो एक फिल्म देखो यार, ऐसे ऐसे उनके फिल्मोग्राफी की उनके सक्सेस रेशियो है ना, तो सलमान खान है तो खत्म, टाटा बाय बाय, सी यू, गया। बॉक्स ऑफिस को आग लगेगी जब सलमान खान की एंट्री होगी तब। मतलब यार इतनी धमाकेदार, और जितना तो मैंने सुना है कि उसमें एक्शन सिक्वेंस बहुत दमदार होने वाले, जितना तो मैंने अभी बहुत सारे जो रूमर्स और अपडेट्स आ रहे हैं ना सर, एक्शन सीक्वेंस में ए आर मुर्गदॉस को बोलते ना सल्यूट मारता हूँ मैं कभी भी, क्योंकि उसके जब गजनी देखता ना, गजनी अभी भी यार वो जब बोलते ना भूल जाता है, लेकिन वो जो सीक्वेंस वो लोग फाइट दिखाते ना, क्या बात है यार, दिल दहल जाता है। तो सलमान खान है यार इसमें, और बोलते ना ये किसी का भाई, किसी की बहन, वो क्या वो राधे गधे, वो सब पीछे छोड़ने वाली ये फिल्म। बोलते ना उनके जो कलेक्शन है ना, उससे तो एक दिन में ना चौथी बार आएगी भाई, मैं तो बोलूं धमाल धमाल कर देगी। आगे के अपडेट्स, आगे के इंटरव्यूज हम अपडेट रखेंगे, हाँ जी जरूर। तो इस टीम की तरफ से आते हैं, हाँ, चाहे वो साजिद भाई हो, चाहे वो यार हो, या तो सलमान भाई कुछ आके बोलो इस पिक्चर के बारे में, आएंगे आएंगे सर। फोटो वोटो छोड़ो, नहीं नहीं एक्चुअली सर मैं बोलूंगा, तो अभी 2025 में आ रही है सर ईदी में, चलो ये साल की तो ईदी नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, लेकिन यस जब 2025 में आएंगे ना, स्वागत तो करो हमारा, वी लव यू सलमान खान। आएंगे आप तीनों के पास में, आगे के अपडेट्स जान के लेंगे, रिएक्शन जान के लेंगे। यस यस पक्का, यस टिल देन सबको बोलेंगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, करो। सलमान खान के फैंस को मैं एक ही बोलना चाहूंगा, आप हमसे इतना प्यार करते हैं, हमने आप भी आपकी बात सुनी, तो आप ये वीडियो सबको शेयर करो, बोलो कि सब्सक्राइब करने के लिए 5 लाख होने वाले हैं, तो जल्द से जल्द करो, और स्पेशल थैंक्स भेजना नहीं भूलना। चलिए, थैंक यू थैंक यू।